अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज नाश्ते के बाद मैंने सोचा मैं मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, क्योंकि यहाँ बारिश का तो कोई पता होता नहीं है। किसी भी टाइम जो है ना बारिश शुरू हो जाती है, फिर कपड़े बाहर अगर सुखाए भी होते हैं तो वो अंदर लेकर आने पड़ते हैं, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा मैं फ़ायदा उठा लूँ, तो बस जो है मैं कपड़े धोने लग गई। इस टाइम कपड़े मशीन में डाल दिए और फिर मैं गई किचन में। से मैंने सोचा था कि मैं चने की दाल बनाऊंगी ना, चने की दाल और गोश्त, तो बस अब ये उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। प्याज टमाटर जो है ना मैंने चॉप कर लिए यहाँ पर, और कल जो है मैंने वो बनाया था रोस्ट, मटन रोस्ट बनाया था, तो इसलिए जो है मुझे गोश्त पकाना अलग से नहीं पड़ा। अभी ये जो है ना मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल को गर्म करके जो है, बल्कि मैं गर्म भी नहीं करती, मैं फ़ौरन से प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि वो गर्म करो फिर आप प्याज डालो तो फिर से जो है ना ऑयल ठंडा हो जाता है। तो अब जो है ना मैंने इसमें क्यूमन सीड्स को ऐड कर दिया, और ये जो है ना आजकल मुझे थोड़ा शौक चढ़ा है कि मैं फ़्रेश फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करूं, तो ये जो है ना मैंने अदरक लहसुन को कूटा है, अब डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें। पेस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, बहुत दिन हो गए लेकिन मैंने बनाया नहीं है। और अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1-1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। मसाले को भूनने के बाद जो है मैंने इसमें टोमेटोज ऐड कर दिए, और वीडियो की स्पीड इसलिए बढ़ाई है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आप लोग को बोर ना करूँ ज़्यादा। तो अब जो है ये मैंने ले ली है दाल, चने की दाल है ये, और मसाला भूनने के बाद जो है ना मैंने दाल डाल दी इसमें। ये दाल जो है ना बुनी हुई दाल बहुत अच्छी बनती है, अगर आपने कभी नहीं बनाई तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को कि वो दाल को ना पहले से बॉईल कर लेते हैं, तो मुझे ना वो उबली हुई दाल नहीं अच्छी लगती। मसाले में भून के आप पकाओ ना दाल, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है रोश, इससे जो है ना इसका जायका और भी अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें नली भी है। मैं इसमें पानी ऐड करके इसमें फर्स्ट बॉयल आने के बाद जो है ना इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर इसको पकाऊँगी। सुबह जब आयशे के बाबा काम पे गए तो उसके बाद जो है ना मैंने उनके शूज़ कैबिनेट में से निकाले और उसको सॉक कर लिया स्टब में, और अब जो है ना मैंने ये मीठा सोडा लिया है एज अ स्क्रब, मैं इसको यूज़ करूँगी। इससे जो है ना शूज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इस ब्रश की हेल्प से जो है ना मैं इसको क्लीन करूँगी। अच्छा, काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गए थे शूज़, लेकिन ये वाले शूज़ ना जिस तरह से मैं चाह रही थी उस तरह से नहीं हुए, थोड़े से ना कम क्लीन हो गए उसके मुकाबले में। आई थिंक ये शूज़ जो है ना इतने ही साफ़ होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस पर, लेकिन ये जो है ना ये बैक पे ये जो वो है दाग है कुछ, तो ये नहीं हटे ना। इसके लिए वो पॉलिश आती है एक वाइट कलर की, आप वो यूज़ करो तो उससे जो है ना बहुत अच्छे से वाइट हो जाते हैं फिर शूज़। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं भी वही यूज़ करूँगी। इन शूज़ को जब मैं वॉश करने लगी ना तो मुझे लगा कि ये साफ़ नहीं होंगे और ये जो है ना बहुत मैं परेशान हो जाऊंगी, लेकिन ये होंगे नहीं साफ ना, लेकिन ये शूज़ जो है बहुत जल्दी क्लीन हो गए थे, और मतलब फर्स्ट वाले के मुकाबले में ये बहुत आसानी से जो है क्लीन हो गए थे। और इस टाइम जो है ना मैंने लॉन्ड्री डिटर्जेंट और मीठा सोडा और तेज़ाब एक यूज़ किया, बहुत कम पावर वाला, बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे शूज़। अच्छा, इसमें झाग इतनी ज़्यादा कोई भर गई थी कि इतनी देर तक मैं इसमें से झाग ही निकालती रही, लेकिन झाग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कपड़े बहुत देर बाद मशीन से निकाले, क्योंकि इस टाइम आयशा सो रही थी, और अगर मैं बालकनी का गेट खुलती तो वो जो है ना उसकी नींद ख़राब हो जाती, बस आयशा की नींद ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने काफ़ी देर बाद जो है ना कपड़े निकाल लिए मशीन में से। अब मैं आ गई बालकनी में जो है ना कपड़े सुखाने के लिए, तो असर का टाइम था, मौसम अच्छा हो रहा था, हवा भी अच्छी लग रही थी, तो वो जो है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इतनी अच्छी हवा को मैं इंजॉय कर रही थी। धूप निकलती है ना फिर बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मुसलसल बारिशें होती है ना फिर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ पर। और अब जो है दाल रेडी हो चुकी थी, ये अच्छा है कि मैं टाइमली पहुँच गई, जलने से बच गई दाल। तो अब जो है ना मैंने इस पर गार्निश किया कोरिएंडर और जो है जिंजर। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ मैं इन दो चीज़ों को ज़रूर मैं गार्निश करती हूँ, और जो है गरम मसाला भी, और मैं असर के टाइम ये ज़रूर बनाती हूँ। जब आयशा के बाबा के आने का टाइम होता है तो उसे थोड़ी देर पहले, जैसे 5 मिनट पहले मैं बना लेती हूँ ये। तो ये जो है ना हम सबको बहुत पसंद है, मुझे भी, आयशा को भी और इसके बाबा को भी, और ये हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें डेट्स भी होती है फिग भी,
और जो है बनानास और जी बस ये चीज़ें होती हैं। अच्छा मैं इसमें जो है ना शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती क्योंकि इसमें इतनी मीठी चीज़ें होती हैं तो इसमें ना शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस टाइम जो है ना आयशा मैडम रोने लगी, इसका सर ना गेट पे लग गया तो उस वजह से ये रो रही थी। मैं इसको बहुत बुला रही थी आयशा आ जाओ पी लो मिल्क शेक, मैंने जैसे ही इसको दिया तो इसने जो है ना ज़मीन पे गिरा दी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक रखिएगा आप अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से है तो प्लीज़ स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़ माई यूट्यूब फैमिली।